इसका टेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं आपको। और गाइस ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है बीबी के मकबरे का, और अंदर से जो टिपिकल मुगल्स होते हैं वो तरह का स्ट्रक्चर है। और गाइस इसके भी जो मीनार दिख रहे हैं आपको, साइड में थोड़े से झुके हुए हैं। तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं बीबी के मकबरा, और बीबी का मकबरा यहाँ से लगभग है 2.5 से 3 किलोमीटर। और पीछे ऐसी गंदी ऑफ रोडिंग थी, लेकिन कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ऑफ रोडिंग है, लेकिन वहाँ एकदम खड्डे से नीचे निकलो ऊपर नीचे एकदम जिगजैग वाला सीन था। और अपन जा रहे हैं बीबी का मकबरा, और ये पीछे जो इंसान बैठा है भाई, इनका बस चले तो मेरे नाम का बीबी का अपना मेरे नाम का मकबरा बना दे। मेरे नाम का बीबी का मकबरा क्यों बनेगा, मेरे नाम का मुफीस का मकबरा बनेगा ना, नहीं अपने को नहीं बनाने का, अस्तगफिरुल्लाह। चलो अभी जल्दी से चलते हैं। और यार भाई इतना गंदे रोड है, रोड का काम भी नहीं करा रहे। उज़ैफ तो अपन शिरूर जा रहे थे, जब मैंने बोला था कहता शिरूर का रोड का काम कर रहे थे, वैसा इन लोग को ज़रा एप्लीकेशन दे। उड़ा रहा है, बहुत धूल उड़ा रहा है, इनका मेकअप ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये गेट है ना, गेट ऐसे तो बहुत बहुत गेट है इधर औरंगाबाद में। ये गेट का नाम है मकई दरवाज़ा। अभी इधर से किधर है, यहाँ फिर किसी को पूछना पड़ेगा, ये अंकल को पूछते। बीबी का मकबरा यहाँ से सीधा राइट साइड से, थैंक यू। तो हाय बोलो, हाय। हाँ हाँ भाई, तो अभी चलते हैं इनको भी। भाई आजकल के कुछ कुछ जवान लोग है गर्दुल्ले, उन लोगों को समझता नहीं ये सब। और रिक्शा वाली चीचा मेरे को लगता है बहुत व्लॉग देखते हैं, इसके उनको समझता है ना। तो हमारे इधर है थोड़े से बहन के उनको नहीं समझता है सब। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी। होला चिकोस, कोमो इस्ता। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप सभी मस्त होंगे। और अभी अपन जा रहे हैं बीबी का मकबरा देखने के लिए, और बाहर से तो अपन ने देख लिया भाई, बहुत ही खूबसूरत है। और इधर अपन उनके पास पे करते हैं पार्किंग का, और उसके बाद फिर अपन जाते हैं अंदर, और सबसे पहले चाय पीते हैं क्योंकि भाई बहुत भूख लगी है। तो कम से कम चाय पियेंगे तो दौलत पास जाने तक अपना थोड़ा पेट में रहेगा, तो वहाँ बीच में कहीं अपने को मिलेगा तो अपन नाश्ता कर लेंगे। अभी पे करते हैं जल्दी से और आगे जाते, फिर आपको दिखाता हूँ मैं सिनेमेटिक्स में। और गाइज ये देखो, मिल गया अपने को नाश्ते की जगह। इनके पास खाने के लिए क्या क्या, पहले देखते हैं। कचौरी समोसा तो दिख रहा है, लेकिन अपन खाते चाय। चाय पियेंगे सिर्फ, क्योंकि फिर अंदर जाके बात भी करने। हाँ तुम खाओ फिर। और गाइज अभी इधर आके भी भाई अपन मिसल पाव खा रहे हैं, उधर भी मिसल पाव खाते हैं, और देखते इधर का टेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं आपको, मिसल का कैसा है। महाराष्ट्र में ये तो मिसल अच्छी मिलती होंगी। उसके बाद चाय पीते और भाई जाते इधर पे, आपको दिख रहा होगा मीनार। ये देखो मीनार दिख रहे होंगे सामने ही है इधर बीबी का मकबरा। ये देखो आ चुकी अपनी मिसल, और अब इसका टेस्ट करते हैं। दिखने में तो भाई बहुत मस्त लग रही है, स्पाइसी स्पाइसी तरी वरी डाल के एकदम मस्त दी है। मुँह में पानी आ रहा है भाई इसकी खुशबू सुन के। पहले इसका टेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं आपको। तो गाइस इसका टेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं आपको। अपने इधर से अलग है, तिकी तिकी खाता मैं अभी जल्दी फिर अंदर जाते हैं। तो गाइज यहाँ अंदर आते ही भाई इधर टिकट काउंटर है, और फॉरेनर के लिए 300 रुपये टिकट है, और अपने लिए है 25 रुपये टिकट। वहाँ 20 लिखा है लेकिन यहाँ 25 लेते हैं लोग। और सामने ही अपने पास बीबी का मकबरा है, और भाई ये नॉलेज ले रहे हैं इधर से, मेरे को मालूम है थोड़ी सी, लेकिन और थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं नॉलेज। फिर अपन अंदर चलते हैं इधर। तो गाइज जैसे ताजमहल के आजू बाजू गार्डन है, वैसे इसके भी आजू बाजू ऐसा ये सब गार्डन वगैरह सब बना है। और मेन मतलब ये इमारत के पीछे ताजमहल की इमारत है। तो अभी इसको इसमें से अपन इंटर करते, फिर आपको अंदर जाके। और गाइज इसका गेट देखो कितना मजबूती से बना है इसका गेट, डबल टिबर लेयरिंग से। और इधर अपने को इंटर करना पड़ता है। इधर इंटर करने के बाद यह कॉइन रखना है इधर। तो गाइज ये जो आपको दिख रहा है ये मेन डोर है। ये मेन डोर के बाद बाजू में सब ये गार्डन है जैसा अपन देखते हैं इधर पे, मतलब ताजमहल के अंदर।
वो गार्डन के बाद फिर इधर भी एक है गार्डन, और उसके बाद मेन सामने जो अपने को दिखता है वो है बीबी का मकबरा, और ऊपर जाते अपन, मतलब वीडियो में अपन जस्टिस नहीं कर पाएंगे, और मैं भी पहले से ही बोलता था नकली ताजमहल नकली ताजमहल, लेकिन भाई बहुत खूबसूरती से बना है इसको। और गाइस बात ऐसी है कि ताजमहल ताजमहल की जगह पर सही है और बीबी का मकबरा उसकी जगह पर सही है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। और इसकी हिस्ट्री ऐसी, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि ताजमहल तो अपना शाहजहाँ ने बनाए थे, और ये जो बीबी का मकबरा है या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उनके जो बेटे हैं आज़म शाह, आज़म शाह ने अपनी मतलब अपनी माँ के अरे यार अटक गया, अपनी माँ की याद में बनाया था ये, मतलब उनका नाम था राबिया दुर्रानी, तो उनकी याद में इस उन्होंने बनाया था इतना सारा। और अंदर जाके कब्र भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाने के बाद। और यहाँ के फाउंटेन वगैरह ये जो दिख रहे हैं आपको, ये फ़िलहाल अभी तो बंद है, लेकिन ये ओपन होते कब होते हो मेरे को मालूम नहीं, और मैंने अभी सुना है कि इसको इसका डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो अपने और डेवलप दिखेंगे। और लाइट्स वगैरह भी अभी लगी है, पहले इतनी लाइट्स नहीं थी इधर, और अभी लाइट्स वगैरह भी लगी है, तो अपन चलते जल्दी ऊपर ताजमहल पे। लेकिन भाई बहुत खूबसूरत है, एकदम फ्रेशनेस वाली जगह है, मतलब आ जाओ एकदम फ्रेश लगेगा इधर। बस ऐसा है कि मैं गलत टाइम पर आया हूँ, मैंने आना चाहिए था सुबह के टाइम पे, मतलब 7 बजे के टाइम पे, अभी धूप है, और इसके बाद अपने को एनर्जी इतनी जाएंगी, उसके बाद अपने को दौलताबाद का फोर्ट भी चढ़ना है, और नीचे उतर के फिर अपने को और 300 किलोमीटर राइड भी करना है। तो कोई बात नहीं, आपके लिए कर रहे हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। और गाइस ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है बीबी के मकबरे का, और ये देखो सामने जहाँ से अपन आए हैं, मतलब ये एरिया उतना ही है, बस ऐसा है कि थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ देखो चारों मीनार वैसे के वैसे जैसा अपने को ताजमहल में दिखते हैं, और एक दीवाने आम और दीवाने खास है, वहाँ भी आपको दिखाता हूँ मैं, उधर जाते अपन तब। और गाइस मैं आपको अभी इधर से अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पर उनके अम्मी की मतलब आज़म शाह के अम्मी की कब्र है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बीवी की। तो यहाँ पैसे देखो, इतने सारे पैसे डाले नीचे, कितने होंगे यार ये पैसे। और अंदर से जो टिपिकल मुगल्स होते हैं वो तरह का स्ट्रक्चर है, ये देखो ऊपर से वैसे ही है जैसा अपन ने ताजमहल में देखा था, वैसे टाइप में। लेकिन अभी ताजमहल में ऊपर जाने के लिए अलग टिकट रखे हैं, मतलब लूट मचा के रखे उधर पे, पहले इतना मतलब लेते नहीं थे वो लोग पैसा, लेकिन अब ऊपर जाने के लिए कितना लेते 400 रुपये ना, 400 रुपये के आसपास कुछ तो भी लेते ऊपर जाने के लिए, पहले पैसा नहीं लेते थे, अभी एकदम ताजमहल में लूट मचा के रखे हैं। और गाइज ये इतना पैसा, इतने पैसे में तो अपनी H2 आ सकती है फिर भी अब बाबू ये के साथ अपन कंपटीशन करेंगे, इतने पैसे में H2 ला के आएंगी आराम से, बोल नहीं सकती कि उधर उधर आसपास में बहुत सारे पैसे पड़े। तो गाइज ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हो, ये मस्जिद मतलब वही ज़माने मतलब उनके टाइम पे ही बनी है, और एक इमाम के पीछे यार 377 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। और आपको एक और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये जो मतलब बना है बीबी का मकबरा, ये बीबी के मकबरे को मतलब स्टैकू प्लास्टर बोलते हैं। और गाइज मैंने आपको जितना दिखाना था सिनेमैटिक और बीबी के मकबरे के ऊपर जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिखाया, और अभी मेरे को लग रहा है कि अगर फाउंटेन है आगे तो अपन देखते हैं आगे फाउंटेन पे जाते हैं। और अभी तो फिलहाल अपना जो है रील का चल रहा है, तो आप जाके इंस्टाग्राम में मेरा आईडी और फोटोज़ और रील देख सकते हो, नीचे आ रहा हूँगा देखो एक बार। और गाइज इसके भी जो मीनार दिख रहे हैं आपको साइड में थोड़े से झुके हुए हैं, तो कभी कुछ अर्थक्वेक वगैरह आए तो ये साइड में गिर जाएंगे, मतलब वो मतलब ताजमहल के मतलब ये बीबी के मकबरे के ऊपर नहीं गिरेंगे, साइड में गिर जाएंगे, तो वैसे ही बने जैसा ताजमहल का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से भाई कितना खूबसूरत दिख रहा है, ऐसा जस्टिस नहीं करके पाएंगे आप, मैं तीनों वीडियो में वही बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो कैमरे में जस्टिस नहीं होगा, आँखों से आगे देखना पड़ेगा आपको। गाइस यही था सिटी ऑफ गेट्स औरंगाबाद का ताजमहल, मतलब छोटा ताजमहल, इंडिया का दूसरा ताजमहल, तो एक नंबर था, आप भी आके ज़रूर विज़िट करना इधर, और कैमरा में देखेंगे तो मज़ा आएगा, सिनेमैटिक्स भी आपने एंजॉय किए होंगे,
और इसके बाद आपको जो वीडियो देखने मिलने वाला है वो दौलताबाद फोर्ट का है। तो अभी मैं इधर यही वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।